स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर डीवी के बारे में कि क्या लेटेस्ट अपडेट है। काफ़ी अभ्यर्थियों के जो कमेंट आ रहे हैं एक्सपीरियंस को से संबंधित कि उन्होंने अप्रेंटिस किया हुआ है, अप्रेंटिस को एक्सपीरियंस में शामिल आयोग के द्वारा किया जा रहा है या नहीं, सैलरी सिर्फ 6 महीने की या फिर 36 महीने की। कुछ अभ्यर्थियों से मेरी बात हुई है तो उन्होंने बताया कि सैलरी 6 महीने की ली जा रही है, और काफ़ी अभ्यर्थियों बता रहे हैं, काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि 36 महीने पूरे आपने 3 साल जो एक्सपीरियंस है उसकी सैलरी स्लिप देखी जा रही है। तो अब 6 महीने की देखी जा रही है, 36 महीने की। मेरे कमेंट में भी, वीडियो में कमेंट में भी कई जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने कमेंट करके भी बताया है कि 36 महीने की सैलरी ली जा रही है, और कुछ अभ्यर्थी बता रहे हैं कि 6 महीने की ली जा रही है। लेकिन अगर आपके पास, सबसे पहले अगर सैलरी स्लिप की बात करूं मैं यहाँ पे, तो सैलरी स्लिप अगर आपके पास 36 महीने की भी है, अगर आपके पास 36 महीने की भी सैलरी स्लिप है तो आप वो लेकर के चले जाइएगा 36 महीने की भी। अगर नहीं है तो 6 महीने की भी लेकर जाइएगा, जो अभी लास्ट की 6 मंथ की अगर सैलरी स्लिप है आपके पास तो लेकर जाइएगा, क्योंकि वो अभ्यर्थियों को टाइम दे रहे हैं। जैसे आपके पास पूरी सैलरी स्लिप नहीं है तो वो लोग टाइम दे रहे हैं 10 दिन का कि आप लेके उनके पास दे दीजिए, जमा कर दीजिए। और अगर आपके पास 36 महीने की नहीं है तो आपको टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास 36 महीने की आप लेके नहीं गए हैं तो आपको बाहर कर देंगे डीवी से, उसके लिए टाइम दिया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 36 महीने की भी सैलरी स्लिप है तो आप लेके जाइएगा। अब बात कर लेते हैं अप्रेंटिस को एक्सपीरियंस में शामिल किया जा रहा है या नहीं। तो काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि 2014 में आईटीआई इंस्ट्रक्टर में अप्रेंटिस को एक्सपीरियंस में शामिल नहीं किया गया था। तो अप्रेंटिस को एक्सपीरियंस में शामिल नहीं किया गया था तो इसलिए अप्रेंटिस को इस बार भी जो है एक्सपीरियंस में शामिल नहीं किया जा रहा है। और अभी जो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जो नया रूल आया है उसके अकॉर्डिंग, जो नया ऑर्डर आया है उसके अकॉर्डिंग अब अप्रेंटिस को एक्सपीरियंस में शामिल किया जाएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेनरशिप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डिवीजन से ये जो लेटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप डेट देखिए कि 19 फरवरी 2024। तो इस डेट में यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आप देखिए, कंसीडरेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर गॉन बाई आईटीआई पास्ट कैंडिडेट एंड हैविंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन डिजाइनेटेड ट्रेड एज वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस इसको माना जाए अप्रेंटिसशिप को या फिर नहीं, तो इसको वर्क एक्सपीरियंस माना जाएगा, लेकिन इस डेट से माना जाएगा। जो न्यू ऑर्डर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 19 फरवरी 2024 इस डेट से आपका माना जाएगा। तो 19 फरवरी 2024 के बाद से जो वैकेंसी आएंगी उसमें आपका एक्सपीरियंस इंक्लूड किया जाएगा। बट इस वैकेंसी में इसको जो आपका यहाँ पे आपने अप्रेंटिस की है उसको यहाँ पे एक्सपीरियंस में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, नहीं किया जाएगा। अगर आपने किया है तो आप वहाँ पर जाएंगे, जब डीवी होगा तो आपको बताया जाएगा, लेकिन जहाँ तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अप्रेंटिसशिप को काउंट नहीं किया जा रहा है एक्सपीरियंस में, क्योंकि ये इस डेट से काउंट किया जाएगा, और इससे पहले ये आपका आईटी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई हुई थी। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, एक अप्रेंटिस को एक्सपीरियंस में शामिल किया जा रहा है या नहीं, और सैलरी सिर्फ 6 महीने की लग रही है 36 महीने की। तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ अभ्यर्थी 6 महीने की बोल रहे हैं, कुछ 36 महीने की बोल रहे हैं। तो 36 महीने मतलब 3 साल का आपका जो एक्सपीरियंस है उसकी पूरी सैलरी ले रहे, सैलरी सिर्फ ली जा रही है। तो आपके पास अगर 36 महीने की भी है तो आप लेके चले जाइएगा वहाँ पर, क्योंकि फिर दोबारा आपको टाइम ना, 10 दिन का टाइम देके आपको दोबारा ना बुलाएं। अगर पास आपके पास हो तो आप लेके जरूर चले जाइएगा। तो ये जानकारी महत्वपूर्ण थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कर लीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और कोई भी जानकारी मुझे आपकी आईटी इंस्ट्रक्टर डीवी से रिलेटेड मिलेगी वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।